बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम अलैकुम। आप प्लस न्यूज़ के साथ मैं अफजल हुसैन भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक बार फिर आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, मैं आपको दो तीन बड़ी अहम चीज़ें बता रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि टू दी पॉइंट बातों पर। आसफ अली जरदारी साहब जब से लाहौर में आकर बैठे हुए हैं तब से नून लीग एतराज़ात कर रही है कि आसफ अली जरदारी यहाँ क्यों आ रहे हैं, लेकिन इस पे जब इन्हें ज़्यादा कामयाबी ना मिली तो वो नाराज़ होकर दुबई चले गए, जिसमें मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार और दीगर अहम लोग मौजूद थे। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात में से दोनों पार्टियों के दरमियान पैदा होने वाले मसले को, जो उनकी खला पैदा हो चुकी थी, वो ख़त्म ना की जा सकी। ताहम नतीजा ये निकला, मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो यकीनी होगी, यानी कि अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ जीती हुई है, उनको फिर हराना मुश्किल होगा इन हालात में। ऐसे हालात में पीडीएम की तमाम जमातें एक नुक्ते पर हैं कि किसी न किसी तरह इलेक्शन को लेट किया जाए।